जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाए, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए, और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं, आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य, इन्हीं भावों से हम जुड़े, किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से, और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता, यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता, और यदि व्याग्रता को वश में ना किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है, और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए कहें। राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर, यहां के लोगों, सोचते हैं कि काश मैं यहां पे आया ही ना। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। कभी आपने सोचा इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं,
यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं, सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपने को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाए, आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाए। राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह कर, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए? क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाए, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। राधे राधे।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित होता, क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता। आज बताता, संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौकी है मन, मैं आप ही में बसता हूं, बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको यह बताने कि सारी शक्ति आपने ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं, मेरा सम्मान है, मुझे पूछते, मुझसे शक्ति मांगने लगते, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी, तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आए, तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना हो। राधेरा। किसी भी वस्तु को बांध सकने के लिए किसी बंधन का, किसी रस्सी का होना आवश्यक है, परंतु इस रस्सी को बांध सकने की शक्ति कौन देता है? वो धागे जिनसे जुटकर ये रस्सी बनी। अब बताइए, प्रेम को किस रस्सी से स्वयं तक बांधेंगे आप? प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो छोर हैं। जहां सत्य नहीं, वहां विश्वास की नींव नहीं, और जहां विश्वास नहीं, वहां सत्य अपना धरातल खो देता है। तो यदि किसी का सत्य जानना है, तो विश्वास कीजिए, प्रेम का धरातल बन जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे।